आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे हम बात करें अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म कैथी के बारे में। वैसे तो आपको पता है कि कैथी के हिंदी राइट्स को अजय देवगन ने खरीद लिया है, साथ ही साथ कैथी साउथ की रीमेक होने वाली है। साउथ फिल्म में कैथी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। जी हां, आपको बता दें कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और ये फुल ऑन एक्शन थ्रिलर से भरी है। वहीं आपको बता दें कि अब इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हां, फिल्म को लेकर बहुत ही बड़े चेंजेस हुए हैं। दरअसल खबरें आ रही थी कि इस फिल्म का निर्देशन करेंगे धर्मेंद्र शर्मा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर निर्देशक को चेंज करके रोहित शेट्टी को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। जी हाँ, अब रोहित शेट्टी इस फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन ने कई साउथ फिल्मों का रीमेक बनाया है, जैसे दृश्यम और सिंघम। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिंघम में जहाँ डायरेक्टर के तौर पर रोहित शेट्टी नजर आए थे, वहीं हीरो के तौर पर नजर आए थे अजय देवगन, और दोनों ने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया था। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बात तो हमें पता चल गई है कि इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे रोहित शेट्टी। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से खबर आ रही है कि इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट नजर आने वाली है कीर्ति शेट्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति शेट्टी इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट नजर आएंगी। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म 2024 तक हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में अभी कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस वगैरह चल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर पीछे का काम बड़ी ही जोरों शोरों से चल रहा है और जल्द ही इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा। वैसे आप अजय देवगन की इस थ्रिलर मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।